हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है राजटेक गाइड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दाहुआ कंपनी के DVR को वाईफाई के थ्रू ऑनलाइन करने का प्रोसेस दिखाने वाला हूं। जी हां गाइस, दाहुआ के DVR को वाईफाई के थ्रू ऑनलाइन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि आप जब वाईफाई के ऑप्शन में जा रहे हैं तो वहां वाईफाई शो नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको कैसे करना है उसी के रिलेटेड ये वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अपने दाहुआ के DVR को वाईफाई के थ्रू ऑनलाइन करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं ये D-Link का एडाप्टर यूज करने वाला हूं इस DVR को ऑनलाइन करने के लिए। और पहले प्रॉब्लम देख लीजिए क्या आने वाली है। मैं इसे पैकेट से निकाल देता हूं। वाईफाई एडाप्टर की अनबॉक्सिंग भी हो जा रही है गाइस। ये है छोटा सा एडाप्टर D-Link का। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसके जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं इनकी क्वालिटी काफी अच्छी रहती है। अब मैं इसे DVR में प्लग इन कर लेता हूँ। DVR के पीछे दो USB पोर्ट रहते हैं, आपको पता होगा। एक पोर्ट में मैंने इसे लगा लिया। अब मैं अपने PC में जाता हूँ और इसके वाईफाई को सेट करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा वाईफाई है, तो इसी वाईफाई से मैं अपने इस DVR को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो मैं पहले मेन मेनू में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो भी पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड डाल देता हूँ। अब हमें जाना है नेटवर्क ऑप्शन में। ये जो ऑप्शन है नेटवर्क, इस पे जाना है। देन हमें आना है यहाँ वाईफाई के ऑप्शन पे। ये देखिए गाइस, ये वाईफाई का ऑप्शन है, इस पे मैंने क्लिक किया। देखिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे कनेक्ट ऑटोमेटिकली ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये देखिए गाइस, ये ऑन किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे कोई वाईफाई डिवाइस भी शो नहीं कर रहा है और साथ ही कोई वाईफाई का सिग्नल भी शो नहीं कर रहा है। गाइस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस DVR का फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा। उस फर्मवेयर को पाने के लिए आपको दाहुआ कंपनी में एक मेल करना पड़ेगा। उस मेल को आपको कैसे करना है, उसमें क्या लिखना है और किस ईमेल ID पे करना है, ये सब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, दाहुआ का अपडेटेड फर्मवेयर आपको कैसे लेना है वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप सीधे अपने कंप्यूटर में ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। देन आपको जाना है जीमेल में। जीमेल में जाके आपको एक मेल करना है। मेल मैंने ऑलरेडी कर रखा है और मुझे दाहुआ की तरफ से फर्मवेयर मिल भी चुका है। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये कैसे करना है। आपको मेल में क्या लिखना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने लिखा है यहाँ पे, सर प्लीज सेंड मी फर्मवेयर अपडेट फॉर माय दाहुआ DH। यहाँ पे आप अपने DVR का मॉडल दे दीजिएगा। आई एम यूजिंग D-Link DWA131 वायरलेस अडेप्टर। आई एम सेंडिंग अटैचमेंट ऑफ फॉलोइंग दाहुआ DVR इमेज। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने DVR का मॉडल नंबर लिखना है और साथ ही आपको ये भी बताना है कि आप कौन सी कंपनी का कौन से मॉडल का वायरलेस अडेप्टर यूज कर रहे हैं DVR को ऑनलाइन करने के लिए। ये देखिए गाइस, और उसके साथ आपको क्या करना है, आपके DVR के नीचे एक स्टिकर होगा, उस स्टिकर में आपके DVR का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, ये सब लिखा रहेगा। आपको उसका एक फोटो खींच के उसे मेल के साथ अटैच करके भेजना है। और मेल आपको किस ईमेल ID पे करना है वो भी नोट कर लीजिए, supportindia@dahuatech.com। आधे से एक घंटे के अंदर आपके मेल का रिप्लाई आ जाएगा। मैंने जो मेल किया था उसका जो रिप्लाई आया था दाहुआ कंपनी की तरफ से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो रिप्लाई मुझे मिला था दाहुआ की तरफ से, यहाँ पे एक लिंक है, इस लिंक पे मुझे क्लिक करना है। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए गाइस, ये डाउनलोड हो चुका है। अब आपको इस एरो पे क्लिक करके यहाँ शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए गाइस, यहाँ पे फर्मवेयर आ चुका है। अब हमें इसे सिंपली यहाँ से कॉपी करके अपने पेन ड्राइव में रख लेना है। गाइस, अब आपको इस पेन ड्राइव को अपने DVR में लगा लेना है। जैसे ही आप पेन ड्राइव को DVR में लगाएंगे, एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, जो भी आपके DVR का पासवर्ड हो वो डाल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन है, ये रहा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन देखिए ये जो फाइल यहाँ पे शो हो रहा है, इस फाइल को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये अपडेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये अपडेटिंग होने के वक्त किसी भी वजह से आपका जो DVR है वो ऑफ नहीं होना चाहिए। गाइस, अपडेट होने के बाद आपका DVR ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पेन ड्राइव को निकाल देना है DVR से। देन जो वाईफाई डोंगल है उसे फिर से आपको प्लग इन करना है। तो आपको फिर से लॉग इन कर लेना है अपने DVR में। उसके बाद मेन मेनू में जाना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे वाईफाई का सिग्नल आ चुका है। आपके आसपास जो भी वाईफाई का सिग्नल होगा वो यहाँ पे शो करेगा। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका वाईफाई कौन सा है। यहाँ पे ये जो कनेक्ट ऑटोमेटिकली का ऑप्शन है, इसे आप ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपका DVR अगर किसी वजह से ऑफ हो जाता है कभी, तो वो ऑटोमेटिकली वाईफाई से फिर कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा जो वाईफाई है वो है कंप्यूटर केयर, ये वाला। इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा
उस पर डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने वाईफाई का पासवर्ड डालना है, यानी कि आपके वाईफाई राउटर का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना है। वाईफाई राउटर का पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे कनेक्ट मत कीजिएगा, यहाँ पे ओके करके निकल जाइएगा। देन देखिए यहाँ पे नीचे कनेक्ट का ऑप्शन है, ये देखिए नीचे ये वाला ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ से बैक कर लेना है। अब फिर से मैं एक बार मेन मेनू में जाऊंगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे स्टेटस क्या है, कनेक्टेड, यानी कि हमारा DVR हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो गाइस इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब आपका DVR वाईफाई के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया है। और इसके बाद अगर आपको फोन में कैसे सेट करना है, यानी कि अपने मोबाइल में आप उसे कैसे देखेंगे, ये भी अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस पे भी एक वीडियो बना के जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।